चलो करके देखते एक बार फिर से यार। ये क्या कर रही है भाई, झटके मार रही है ये। देखो बाइक न्यूट्रल है यार, बाइक स्टार्ट ही ले रही है भाई। इंजन तो सही से हो गया इसका यार। ओ भाई ये क्या हो गया यार। बैक टू माई न्यू वीडियो, आई होप सारे बढ़िया होंगे। सो गाइज आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है कुछ इस तरह की जगह से। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, और बाइक में जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही थी उसको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मैं सर्विस करवाने गया था बट मुझे याद नहीं रही उस टाइम, और अभी ये चेक करो, मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग प्रॉब्लम इसकी। ये प्रॉब्लम जब मैंने इसके पार्ट चेंज करवाए थे ना उसके बाद आई है। ये देखो कितनी लेट स्टार्ट हो रही है ये। सो ये प्रॉब्लम चेक करवाने के लिए जा रहा हूँ, और चलो देखते हैं रास्ते में बाकी क्या दिक्कत है इसमें। इस बाकी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और बाकी इसका एक इंडिकेटर जो है ये वाला अंदर से धुंधला हो चुका है यार, ये भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। और तो ठीक है अभी तो बाइक, और इसके व्हील बेयरिंग वगैरह की ग्रीसिंग वगैरह करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, घर पर करेंगे। तो चलो अभी निकलते हैं इधर से। अभी टाइम हो चुका है 10:08, और सर्विस सेंटर अभी थोड़ा सा दूर है, फटाफट से चलते यार दिखा के आते हैं इसको। ये देखो कितनी लेट स्टार्ट ले रही है यार। चलो देखते हैं क्या बनता है। एक तो मैं सर्विस सेंटर का क्या ही बोलूँ यार, उनको पूरा काम करना चाहिए यार बाइक का। जब सर्विस करवाने के लिए देते हैं लेबर चार्ज तो पूरा लेंगे बट काम कुछ नहीं करेंगे यार। अगर आप इंजन ऑयल भी चेंज करवाओगे ना एक उनसे, तब भी लेबर चार्ज आपका पूरा लेंगे यार। 400 रुपये लेबर चार्ज जो है वो लेते हैं एक इंजन ऑयल चेंज करने का ही, इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर। हद है यार, दो चार ऐसे ही पाना लेंगे और नट पे ऐसे ही मारेंगे दो चार बार कि हमने टाइट कर दिए, देख चेक कर लिए हमने सारे नट। क्या बंदे हैं यार। चलो अभी निकलते हैं भाई, बहुत गर्मी है यार आज भी। ये गर्मी जो है ना काम होने का नाम ले रही है, और एक तो बाइक के खर्चे और ऊपर से गर्मी, पता नहीं कब ख़त्म होगी ये गर्मी यार। तो फिलहाल आ चुके हैं हम हाईवे से, कनेक्ट हो चुके हैं। सो ये वाला रोड जो है ये अपना ज्वाला जी वाला रोड, ज्वाला जी मंदिर की तरफ जाता है ये रोड। मैं बहुत काम आता हूँ इस तरफ यार, मैंने अभी एक बार भी ज्वाला जी भी नहीं दिखाया आपको, एक बार भी नहीं गया नहीं मैं उस तरफ। तो मैं दोन वाली तरफ जाते रहते बट हम घूम के चले जाते देर वाली साइड से। चलो दिखाएंगे आपको कभी मंदिर लेके जाएंगे। बाकी इधर भी 4 लेन का काम चला हुआ है पूरा आगे तक, 4 लेन के 2 लेन ही है ये। 4 लेन के ऑर्डर तो कैंसिल हो चुके हैं, अभी 2 लेन ही बनेगा इधर फिर से जैसा पहले था। पहले ये वाला रोड था जिस पर मैं अभी चल रहा हूँ, और इसके साइड में ये बन रहा है नया रोड। इस रोड का एक फ़ायदा होगा, इसमें विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, बस हर 400 मीटर तक आपको दिखाई देगा सब कुछ रोड पे, तो थोड़े एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे इसकी वजह से। बाकी बहुत टाइम हो गया यार इसको बनते बनते बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ज़रा भी। ये देखो बीच बीच में इतने गंदे गंदे पैच है ना ऑफ रोडिंग के। अभी मिलता हूँ मैं आपसे आगे। सो गाइज अभी मैं आ रहा था, और भाई बाइक बंद हो गई यार, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है यार। पंगे पंगे यार, इधर है भी कोई नहीं। और ये देखो भाई यार, नोखे पंगे यार इसके, अब क्या हो गया इसको। देखो बाइक न्यूट्रल है यार, बाइक स्टार्ट ही ले रही है, क्या करूँ अब मैं इसका। ओ भाई इंजन तो सही से हो गया इसका यार। खतरनाक है भाई, क्या करूँ अब मैं। इधर है भी कोई नहीं। और भाई ये पंगे ख़त्म ही नहीं होते यार इसके। इधर पहले मिसिंग मार रही थी, मुझे लगा ठीक हो जाएगी बट अभी तो बंद हो गई यार। करते हैं ट्राई एक बार फिर से भाई, क्या दिक्कत होगी इसमें अभी भाई। ये क्या हो गया अब इसको, अभी सेल्फ में ले रही है, बंद करते थोड़ी देर भाई, थोड़ी देर बंद रखते देखते हैं स्टार्ट होगी कि नहीं। भाई इंजन सीज हो गया होगा तो अब तो गया, मैं कहाँ जाऊँगा इधर से।
भाई आधे से ज़्यादा ना बाइक तो सर्विस सेंटर वाले ख़राब कर देते हैं भाई, इनको ना काम करने आता ना कुछ। सीधी बात बोलता हूँ भाई, आधे से ज़्यादा मेरी बाइक की हालत ना सर्विस सेंटर वालों की वजह से ख़राब है। चलो करके देखते एक बार फिर से यार। ये क्या कर रही है भाई, झटके मार रही है, ये तो न्यूट्रल बाइक यार। हो जाए यार स्टार्ट है भाई, क्या हो गया यार इसको भी। तार वगैरह तो नहीं लगे इसकी, ओ भाई ये क्या हो गया यार कसम से भाई। ये देखो ये गया भाई, स्पार्क प्लग की जो कैप होती है ऊपर वाली तरफ लगी हुई, ये गई पूरी। ये देखो भाई टूट गया यार, पूरे कैप टूट गई, वो आधा हिस्सा इसके अंदर रह गया, आधा आ गया बाहर भाई। तभी मैं बोले स्टार्ट क्यों नहीं हो रही यार बाइक, स्पार्क ही नहीं मिल रहा है तो स्टार्ट क्या होगी इसको भाई। अब इसको कैसे लगाऊँ घर में यार बाइक बहुत। चलो करते एक बार फिक्स करने की ट्राई, शायद चल पड़े यार सर्विस सेंटर तक। चल जा आगे करवाता हूँ चेंज तुझे यार। ये क्वालिटी है गाइस टीवीएस की, ये देखो 17,000 किलोमीटर पे लग तो गया। स्टार्ट करके देखते अभी इसको। गाइस कैप निकल गई थी यार, टूट ही गई, निकल के गई टूट ही गई है भाई, मैंने सोचा इंजन सीज हो गया। स्टार्ट करके देखते अभी इसको यार, अभी भी नहीं हो रही है। हो गई गाइस, आई होप बंद ना हो यार सर्विस सेंटर तक। छोटी छोटी प्रॉब्लम से यार दिमाग ख़राब कर देती है यार। अभी ये टूट गई पूरी, अभी इसका खर्चा अलग से। मैं जब भी राइड पे जाने की सोचता हूँ ना, हर टाइम कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है इसमें। एक तो दूसरे कुछ मेरा एक्सपीरियंस जा रहा है इस बाइक के साथ, बाकी आप देख सकते हो, आपने लेनी है तो ले सकते हो, नहीं लेनी है तो आपकी मर्ज़ी। बाकी मेरा काम है अपडेट्स देना आपको, कैसी है बाइक तो देख लिया आपने। बिल्ड क्वालिटी तो भाई इसकी टॉप नॉच क्या बोलूँ यार। चलिए अभी पहुँच चुके सर्विस सेंटर के पास, और भैया आज फिर से ले आया बाइक मैं, इतनी बार लेके आ चुका हूँ इसको, बीच बीच में मिसिंग मार रही है कभी कभी। अभी तो इसका ये भी टूट गया स्पार्क प्लग, ये बोले बार बार मिसिंग मार रही है। इधर आओ आप चश्मा लगा गया, चश्मा यार 36 बार दिखा चुका है इसको मैं। नहीं क्या सीन है अभी इसका पूरी तरीके से, और स्टार्टिंग प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हो रही है, कभी कभी लेट स्टार्ट कर ले रही है बीच में, कभी कभी तो स्टार्ट नहीं हो रही है। और ऊपर से ये भी टूट गया इसका स्पार्क प्लग की कैप जो होती है। क्या मुझे क्या पता अब कैसे टूट गई, मैंने कहाँ खुलवानी, ये इसका काम हुआ अभी, वो आ जा रही थी ना इसकी, वो कांगड़ा में काम करवाया इसका उन्होंने, पूरा ये तोड़ दिया। ये देखो कैसा काम करते हैं वो यार। 2000 years later. So guys, चलो चलते अभी काम करवा लिए बाइक का। भाई धूप बहुत ज़्यादा है भाई, 2 दिन काम करवाए, पहले पेट्रोल डलवाते हैं फिर दिखाते हो क्या क्या काम हुए। तो गाइस बाकी बहुत टाइम लग गया यार सर्विस सेंटर में, 12:48 हो गए अभी। मैं तो गाइस फाइनली फ्यूल अप भी करवा लिया, चलो निकलते अब घर के लिए। आगे रुकता हूँ कहीं, आगे बताता हूँ क्या क्या काम होगा बाइक में, सब कुछ उधर डिस्कस करते हैं। गाइस स्टार्टिंग की प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही है इसमें, कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच चुके हैं।
अब इधर लगाते हैं बाइक, पानी वगैरह पीते हैं। देखो हेड, और इधर बताता हूँ आपको बाइक में क्या काम करवाया। बाकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम देख लेते हैं ठीक हुई है कि नहीं काम करवाने के बाद। सुबह अभी थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो रही है, देखते हैं एक बार फिर से। सुबह अभी थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो रही है, बाकी कभी कभी कर रही है, थोड़ी सी मिसिंग तो अभी भी कर रही है। देखते हैं अगली बार टैप इट वगैरह सेट करवाएंगे इसकी एक बार फिर से। एक यार बहुत बड़ी दिक्कत है इस बाइक की, इसमें टैप इट का इशू रहता है यार। कभी हर बंदे की बाइक में, मैंने इंस्टा पे बंदे मैसेज करते भाई टैप इट इशू, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी भाई टैप इट इशू नहीं जाता इस बाइक का, आरटीआर 200 का। सो गाइस बाकी इसमें काम की बात करें तो काम मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ। सो गाइस बाकी काम की बात करें तो इसमें एक स्पार्क प्लग चेंज करवाया मैंने इसका, और ये इसकी कैप जो है ये टूट गई थी, ये भी डाल दी न्यू, इनके पास थी नहीं, दूसरी बाइक की निकाल के डाल दी इसमें। और ये देखो भाई अभी ठीक हो चुकी है ये, पहले मैंने सोचा इंजन सीज हो गया यार इसका। सो चलो अभी बिल्कुल बाइक ठीक हो गई है, बाकी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम भी अभी थोड़ी बहुत काम हो चुकी है, हो रही है स्टार्टअप। तो चलो पानी वगैरह पीते, बहुत गर्मी और निकलते फिर घर के लिए। और यही था कुछ आज की वीडियो में, बाकी अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और ये डलवाया बस 130 रुपीज़ का स्पार्क प्लग, बाकी तो कुछ चार्ज नहीं दिया उन्होंने। तो चलो गाइज इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय गाइज़।